अजमेर की बोराज गांव में स्थित राजकीय स्कूल को अंग्रेजी मीडियम में क्रमोन्नत किए जाने पर ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी स्कूल बनाए जाने के कारण अन्य स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में गांव के ही रहने वाले बच्चे स्कूल होने के बावजूद कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव की सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ने जाएंगे। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए आज स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले का विरोध भी जताया। ग्रामीणों का कहना है कि अंग्रेजी मीडियम भले ही स्कूल को किया जाए, लेकिन जो इसमें पहले से ही पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको स्कूल से नहीं निकाला जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर सभी इसका विरोध करेंगे। स्कूल में गांव के ही सैकड़ों बच्चे अध्ययनरत हैं, ऐसे में स्कूल के 30% बच्चों को अन्य स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि अंग्रेजी मीडियम शुरू किया जा सके। ऐसे में ग्रामीणों ने दो पारियों में स्कूल को चलाने की मांग भी की है। ऐसा नहीं किए जाने पर स्कूल पर ताले भी लगाए जा सकते हैं। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो और किस चीज को लेकर कर रहे हो? यही कि अपने जो बोराज की जो राजकीय विद्यालय है, इसको महात्मा गांधी ने कर्मोन्नत कर दिया है। अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पहले से अध्ययनरत बच्चे हैं उनको जो 30% के आधार पर निकाले जा रहे हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनका लॉटरी में नंबर नहीं आया, वो बाहर निकाले जा रहे हैं। टीसी देनी की जा रही है, ये तो गलत है। अब कई ऐसे हमारे गांव में मजदूर वर्ग हैं जो कि 400-500 रुपये मजदूरी करते हैं। अब कुछ औरतें, विधवा औरतें, जिनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ पढ़ाए? उनके एकमात्र सरकारी विद्यालय है जहाँ पर वो पढ़ा सकती है। तो कई औरतें रोज़ हमारे गांव में ऐसे रुतलाई अवस्था में आती है, रोती हुई आती है कि हमारे बच्चों का अब क्या होगा। तो इस चक्कर में हमारे गांववासियों ने एक फैसला लिया कि इसका हम विरोध करेंगे और इसको दो पारियों में करा जाए। हम अंग्रेजी माध्यम होने का कोई विरोध नहीं कर रहे कि अंग्रेजी भी हो और हिंदी माध्यम भी हो, दोनों माध्यम में संचालित हो, यही मांग करते हैं। सुनने में आ रहा है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनसे झाड़ू पोछे भी करवाते हैं। देखो, झाड़ू पोछा कराना तो ये ठीक हो सकता है कि यहाँ पर चपरासी की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन इसका हम कह नहीं सकते। ये तो एक सामाजिक कार्य भी है। बच्चों से अगर हल्का फुल्का करवा दिए तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में भी 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। यहाँ की तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जब गांव के बच्चे हिंदी अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, उनको इंग्लिश मीडियम में करा जा रहा है। अब आप ये कौन सी है कि बच्चा बच्ची को सबको बाहर निकाल दिया और इस गांव का दूसरी जगह कहाँ पढ़ने जाएगा? हमारे गांव की स्कूल कहाँ है? हमारे गांव की स्कूल कहाँ है? हमारे गांव की स्कूल है, हमारे गांव का बच्चे को बाहर निकाल रहा है। हमारे गांव के बच्चे कौन निकाल रहा है बाहर? मैडम आते हैं, मोटे मैडम लेती नहीं। क्या बोलती है मैडम? मैडम लेती है, क्या बोलती है? उसकी मन की मर्जी करती है भाई, चाहे कहीं पढ़ाओ, नंबर नहीं आया, वो नहीं आया, कैसे करके पढ़ा निकाल देती है। तो बच्चा क्या कहाँ जाएगा? या तो हमारे गांव की स्कूल दूसरी बनाई जाए। मतलब आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं? एडमिशन देते ही नहीं है, देते ही नहीं है, तो क्या करे, कहाँ जाएगा गांव? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या रहेगा? बिल्कुल पेट भरेगा कि बच्चों को प्राइवेट पढ़ाएगा? ये तो मैडम का आज बोल दिया, मांगा पूरी नहीं, धंधा पूरा रहेगा। कहाँ जाएगा बच्चा? इसी गांव का बच्चा कहाँ जाएगा बताओ? गाल वाला नहीं है, जिसके माँ बाप ही नहीं है, अभी माँ बाप गुजर गए, आगे पीछे भी कुछ कोई भी नहीं है। लड़कियाँ सिर पकड़ के बैठ गई, रोटी नहीं खा रही है, क्या मैं पीछे रह जाऊँ? मेरा नंबर नहीं आया, मेरा वो नहीं किया, तो क्यों? जैसे हमारे गाँव में ये कैसे हो गया? आपका नाम बताओ।